गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा गया है। जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाई को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का आर्डर दे रहा है, ठीक है। कोई शांति स्टॉल है वो दो प्रकार के गत्ते बनाने का आर्डर देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है बड़े गत्ते दो डिब्बे की आवश्यकता थी, ठीक है। बड़े डिब्बे की माप 25 सेंटीमीटर × 20 सेंटीमीटर × 25 सेंटीमीटर और छोटे डिब्बे की माप 15 सेंटीमीटर × 12 सेंटीमीटर और × 5 सेंटीमीटर थी, ठीक है। तो दो प्रकार के डिब्बे थे, एक बड़ा था और एक छोटा था। और उसमें क्या कहा गया है, सभी प्रकार के अतिव्यापिकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। मतलब दो डिब्बे बनाने पर और गत्ता लगेगा, मतलब कि जितना हमने गत्ता बनाना है, जितना डिब्बे बनाना है उतना तो लगेगा ही, साथ में एक्स्ट्रा गत्ता और लगेगा। वो एक्स्ट्रा गत्ता कैसे लगता है, काटने पीटने में कुछ बर्बाद होता है, ठीक है, कहीं पर जोड़ा जाता है वहाँ पर लगता है, तो अतिरिक्त गत्ता और लगेगा। कितना लगेगा, कुल क्षेत्रफल का 5% कहा गया है, ठीक है। जो गत्ते जो बनकर तैयार होंगे उन कुल गत्तों का 5%। फिर आगे कहा गया है यदि गत्ते की लागत ₹4/100 cm² है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी, ठीक है। तो देखिए हम लोग पहले बड़े गत्ते की विमा लिख लेंगे, ठीक है, फिर छोटे गत्ते की विमाएँ लिख लेंगे कि उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, फिर दोनों के क्षेत्रफल हम निकालेंगे, ठीक है। बड़े गत्ते का एक डिब्बे का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें 250 का गुणा करेंगे क्योंकि 250 डिब्बे बनाने हैं, छोटे भी 250 डिब्बे बनाने हैं। कुल एरिया निकालने के बाद हम लोग 5% कुल एरिया का निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग दर का गुणा कर देंगे, लागत पूरी तरह से निकल आएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने बड़े डिब्बे की माप और छोटे डिब्बे की माप लिख ली है, ठीक है। तो देखिए बड़े डिब्बे की माप को हमने कैपिटल, लंबाई लेंथ को कैपिटल एल से, ब्रेथ चौड़ाई को कैपिटल बी से और हाइट को कैपिटल एच से प्रदर्शित किया है। इसी तरह छोटे डिब्बे की माप को स्मॉल एल से, चौड़ाई को स्मॉल बी से और ऊंचाई को स्मॉल एच से प्रदर्शित किया है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें डिब्बों का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो डिब्बे कैसे, डिब्बे घनाभाकार डिब्बे, तो आपने मिठाई की डिब्बे देखे होंगे, उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, ठीक है। और हमने आपको बताया था जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग प्राप्त हो तो समझ जाइए कि वो घनाभ है, ठीक है। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आपको ज्ञात है। और यहाँ पर हम लोग क्या निकालने वाले हैं, छोटे जो बड़ा डिब्बा है उसका क्षेत्रफल, वो भी कितने डिब्बों का, 250 डिब्बों का, और छोटे डिब्बे की माप वो भी निकालने वाले हैं, कितने डिब्बे, 250 डिब्बों का, ठीक है। तो सबसे पहले हम बड़े डिब्बे की माप, वो बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो हम एक ही बार में 250 डिब्बों का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे बड़े 250 डिब्बों का, 250 डिब्बों का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल हम लोग ना निकाल के सीधे हम ये लिख सकते हैं कि बड़े 250 डिब्बों को बनाने में लगा आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, गत्ते का क्षेत्रफल।
तो देखिए आपको घनाभाकार डिब्बे का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला आपको पता है क्या है, 2 गुणे लंबाई चौड़ाई। यहाँ पर देखिए बड़ा डिब्बा है तो इसलिए लंबाई चौड़ाई हम बड़े से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, ठीक है। ये एक बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल निकल के आएगा और हमें कितने डिब्बे निकालने हैं, 250। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 250 से और गुणा करा देना है, ठीक है। अब हमें केवल मान रखना है, तो चलिए हम लोग मान रखेंगे। तो मान रखने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखिए 250 गुणे 2 और हम यहाँ पर मान रखेंगे, देखिए लंबाई, लंबाई दिया गया है 25 सेंटीमीटर, तो 25 यहाँ पर लिखेंगे 25 गुणे, चलिए सर ये आगे ना आए इसलिए इसको हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसको हम आगे ना लिखकर यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर, तो 250 गुणे 2, लंबाई दिया गया है 25 गुणे चौड़ाई दिया गया है 20 प्लस 20 गुणे 5 प्लस ऊंचाई दिया गया है 5, लंबाई दिया गया है 25। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 250 गुणे 2, देखिए 25 दूनी 50 हो जाएगा 500 प्लस 20 पंचे 100 और प्लस 25 पंचे 125, ठीक है। आगे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 250 गुणे 2, इन्हें हम लोग जोड़ लेंगे, देखिए कितना हो जाएगा 5 एक 600, 600 और 100 700, 725 कितना हो जाएगा 725। आगे हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 250 गुणे 725 गुणे 2 करेंगे तो 1450 आ जाएगा, 1450। अब इसका आप लोग आराम से इसका गुणा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका आप लोग गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3625, कितना आ जाएगा 3625 00। ये आपका कितना आया, बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल निकल के आया, किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि जो भी विमाएं दी गई हैं वो सेंटीमीटर में दी गई हैं, इसलिए ये सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके बड़े 250 डिब्बों का क्षेत्रफल, अब निकालेंगे छोटे 250 डिब्बों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, लिखेंगे छोटे छोटे 250 डिब्बों को बनाने में लगा आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बराबर, देखिए यहां पर भी हमें फार्मूला कौन सा लगाना होगा, 2 गुणे लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। ये छोटा डिब्बा है तो इसलिए हमने क्या किया है, छोटे मतलब कि अल्फाबेट, छोटे अल्फाबेटों का इस्तेमाल किया, ठीक है। और कितने डिब्बे हैं, यहाँ पर भी 250 डिब्बे हैं, तो 250 से हम लोग गुणा करा देंगे। अब हमें यहाँ पर मान रख देना है, चलिए हम लोग मान रखते हैं। तो ये हो जाएगा 250 गुणे 2, लंबाई दिया गया है 15 गुणे चौड़ाई दिया गया है 12 प्लस
12 गुणे ऊंचाई दिया गया है 5 प्लस 5 गुणे 15, ठीक है। इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 250 गुणे 2, इसका हम लोग गुणा करा लेंगे तो देखिए 12 पंचे 60 के जीरो हो जाता है, तो 12 पंचे 60 के जीरो हासिल 6 हो गया। अब 12 का नंबर 12, 12 6 18, यानी आ जाएगा 180 प्लस। उसके बाद हमें क्या कर देना है, देखिए हमें कर देना 12 पंचे 60, 60 प्लस 15 पचे 75। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे 250 गुणे 2, और इसे आप लोग अगर जोड़ेंगे, आपको जोड़ना आता है ठीक है, आप आराम से इसको जोड़ सकते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 315 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 315, और ये हो जाएगा 250 गुणे 315 में 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 630, 630। और 630 में अगर हम लोग 250 से गुणा करेंगे, क्योंकि 630 तो आया केवल एक डिब्बे का क्षेत्रफल, हमें 250 डिब्बों का क्षेत्रफल निकालना है ठीक है। और जैसे ही हम 630 को 250 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा कितना 1575 00, ठीक है, ये आंसर आएगा ठीक है। और उसके बाद देखिए ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब दोनों के क्षेत्रफलों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें कुल गत्ते का क्षेत्रफल पहले तो निकालना है, तो लिखेंगे कुल छोटे, लिखेंगे बड़े व छोटे डिब्बों का कुल क्षेत्रफल, बड़े तथा, बड़े तथा छोटे डिब्बों का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 3625, 3625 00 प्लस 1575 00, दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 52,000, आप इसे जोड़ सकते हैं ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा 52,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो आया हमारे दोनों गत्तों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी इस कुल गत्ते का 5% अभी लगना बाकी है ठीक है, तो लिखेंगे अतिरिक्त, अतिरिक्त, अतिरिक्त लगे गत्ते का, अतिरिक्त लगे गत्ते का क्षेत्रफल। तो उसने क्या कहा था कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5%, यानी कि 52,000 का 5% कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख, यानी 5,20,000 का ठीक है, कितना 5,20,000 का 5%, ठीक है। आप लोग इस परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ पर बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो काटेंगे और गुणा करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, जीरो, पाँच गुणा जीरो में करेंगे जीरो, 5 × 10 के जीरो, हासिल एक होगा, 5 × 25 = 26, कितना हो गया 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुल कितना गत्ता लग चुका, अब कुल गत्ते को हम लोग जोड़ देंगे तो लिखेंगे कुल, कुल गत्ते का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल लगा गत्ता लिख देते हैं ठीक है, कुल लगे गत्ते का क्षेत्रफल बराबर, देखिए ये 52,000 है,
लिखेंगे 5,20,000 प्लस 26,000, इसे हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, इसे आप लोग आराम से जोड़ सकते हैं, ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपका आया जितना भी अभी तक बड़े डिब्बे में, छोटे डिब्बे में और अतिरिक्त लगा डिब्बे का जो गत्ता है उसका पूरा क्षेत्रफल निकल के आया 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे क्या लागत, तो लागत बराबर आपको फार्मूला पता है, लागत बराबर फार्मूला होता है क्षेत्रफल गुणे दर, ये फार्मूला होता है। तो क्षेत्रफल अभी तक हमारा टोटल कितना आया, 54,600 और दर देखिए क्या दिया गया था, दर कितनी दी गई थी, दर दी गई थी 4 रुपए बटे 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर हम दर लिख देते हैं, ठीक है, दर दिया गया था 4 रुपए प्रति 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर 4 बटे प्रति का मतलब होता है बटे, ठीक है, यहाँ पर 1,000 का हम लोग क्या देंगे, भाग देंगे और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए आराम से सॉल्व कर सकते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे और 4 का बस केवल गुणा कराना है, तो 4 × 24 के 4 हासिल 2 हो जाएगा, 4 × 16 दो 18 के 8 हासिल 1 हो जाएगा, 4 × 5 = 20 1 = 21 कितना आया, 2184 यानी 2184 रुपए। इतना रुपया लगेगा दोनों गत्तों को बनाने में, जो दो प्रकार के गत्ते हैं, 250-250 यानी 500 कुल गत्ते बनाने में इतना रुपया लगेगा, यानी 2184 रुपए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन था, ठीक है, केवल सरलीकरण था बस और कुछ नहीं था, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसका गुणा भाग जोड़ घटाना आराम से कर सकते हैं, हमने पहले से करके रखा था इसलिए हमने डायरेक्ट रखा है, ठीक है। आपको पेपर में डायरेक्ट नहीं रखना है, आपको इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर आठ। देखिए बच्चों, जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर आठ में क्या दिया गया है, इसमें कहा गया है कि परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार ढांचे जैसा एक अस्थाई स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, ठीक है। अस्थाई मतलब उसको कभी भी मोड़ तोड़ के अपना फिर रख सकती है, ठीक है, अस्थाई का मतलब वो स्थाई नहीं है। फिर कहा गया है जो कार को चारों ओर से ऊपर से ढक ले, सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसको घुमाकर ऊपर किया जा सकता है, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा क्या है, नगण्य है, ठीक है। और यहाँ पर विमाएँ भी दी गई हैं, विमाएँ क्या दी गई हैं, आधार विमाओं 4 मीटर 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर वाले एक ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। यहाँ पर तिरपाल का क्षेत्रफल केवल पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम विमाएँ लिख लेते हैं, उसके बाद आगे आपको हम समझाते हैं। देखिए तिरपाल की हमने मापे लिख ली है, ठीक है, लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है और ऊंचाई 2.5 मीटर दिया गया है, ठीक है, ये किसमें है, मीटर में है। अब हमें यहाँ पर केवल क्या निकालना है, केवल निकालना है तिरपाल का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे तिरपाल का कुल क्षेत्रफल। सबसे पहले आपको ये समझना है कि तिरपाल लगेगा कहाँ कहाँ,
तिरपाल कहाँ कहाँ लगेगा? तिरपाल चारों दीवारों में लगेगा, ठीक है, चारों दीवारों में तो लगेगा। साथ में देखिए यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो चारों दीवारों का क्षेत्रफल और छत में लगेगा, ठीक है। देखिए आपको पता है, जैसे मान लीजिए ये आपकी दीवार हो गई, ये आपकी चारों दीवारें हो गई, ठीक है, और यहाँ पर इसके ऊपर आपका छत होगा। कार घुसने के लिए यहाँ पर जो गेट लगा है, मतलब कि कहने का मतलब है जो तिरपाल लगी है उसको ऊपर नीचे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चारों दीवारों में तिरपाल लगेगा और छत में भी लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे कि चारों दीवारों में लगे, चारों दीवारों में लगे, दीवारों में लगे तिरपाल का क्षेत्रफल, तिरपाल का क्षेत्रफल प्लस छत पर लगे तिरपाल का क्षेत्रफल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चारों दीवारों में भी तिरपाल लगा है और छत में भी लगा है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता है, क्या फार्मूला होता है? 2 × लंबाई / चौड़ाई / ऊंचाई प्लस छत पर लगे तिरपाल का क्षेत्रफल। छत में आपको केवल दो ही दिखती है, एक लंबाई और एक चौड़ाई, ठीक है। तो इसका फार्मूला होगा लंबाई / चौड़ाई। तो चलिए हम लोग यहाँ पर मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो 2, लंबाई दी गई है 4 प्लस चौड़ाई दिया गया है 3 और ऊंचाई दिया गया है 2.5 प्लस 4 × 3। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 × 4 = 3 = 7 गुणे कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 4 = 12। तो देखिए इसका हम इसमें गुणा करेंगे, 25 × 50 हो जाएगा, एक अंक पहले क्या है दशमलव और गुणे हो जाएगा 7 + 12, तो हो जाएगा 7×5 = 35। दशमलव के बाद 0 कोई मान्य नहीं होता, प्लस 12 हो जाएगा, इसे हम लोग जोड़ेंगे तो 7 × 5 = 2 = 7 और 3 × 1 = 4 47 मीटर स्क्वायर आपका एरिया निकल के आया। इसका मतलब आपको जो तिरपाल लगने वाला है वो 47 मीटर स्क्वायर तिरपाल लगेगा, यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बहुत ही आसान क्वेश्चन थे और आशा करते हैं कि आपको ये पूरी जितने भी क्वेश्चन हमें बताया क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पूरी तरह समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर समझ में ना आए हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और आप थोड़ा वीडियो को एक बार रिवाइज करके ज़रूर देख लीजिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।